मथुरा की थाना हाईवे पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने विगत 19 दिसंबर की रात को नागराज कॉलोनी में हुई महिला की हत्या का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने इस बारे में पत्रकार वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि विगत 19 दिसंबर की रात थाना हाईवे क्षेत्र की नागराज कॉलोनी में अज्ञात लोगों द्वारा एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में थाना हाईवे में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। थाना हाईवे पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए जनपद गौतम बुद्ध नगर के गांव सिरसा की मड़ैया निवासी कमल पुत्र ताराचंद को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त कमल मृत महिला का जीजा है और उसने मृत पार्वती के मकान की जमीन को हड़पने की नीयत से मथुरा के थाना कोतवाली निवासी स्वामी घाट के रहने वाले छोटू पुत्र मुरारी के साथ मिलकर ईंटें मार मार कर पार्वती की हत्या कर दी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हत्यारोपी कमल पुत्र ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए जाने वाली स्कूटी और मथुरा के बंगाली घाट से खून से सने कपड़ों को बरामद कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि फरार चल रहे हत्यारोपी छोटू पुत्र मुरारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। देखिए 19/20 की रात को थाना हाईवे क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उसके घर में ही जो है उसकी सर कुचल के हत्या की गई थी और इसलिए हमारी टीम, थाना प्रभारी की टीम और हमारी क्रिमिनल इंटेलिजेंस की टीम इस पर लगी रही और कल उस घटना का अनावरण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उस महिला के ही जीजा बहनोई ने उसकी हत्या की थी। एक अभियुक्त जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा अभियुक्त अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। जिस मोटरसाइकिल स्कूटी से वो उसके घर गए थे और हत्या कर वापस गए हैं, उस स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। पूरी टीम ने शीघ्रता करते हुए जो है इस ब्लाइंड मर्डर का अनावरण किया है। पूरी टीम को बहुत बधाई और 10,000 रुपये का इनाम भी हमारी तरफ से घोषित किया गया। महिला की हत्या क्यों की गई जी? महिला जिस प्रॉपर्टी पे रह रही थी वो करीब 450 गज का मकान था और काफ़ी कॉस्टली ज़मीन थी। उस पैसे को, उस ज़मीन को लेने में और पैसे की लेन देन को के लालच में ही उस बहनोई ने उसकी हत्या कर दी।